दोस्तों, अगर आप जियो की सिम यूज करते हैं और आपको अपनी जियो की सिम में इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो मिल रही है, या फिर आप मार्केट में इंटरनेट चला रहे हैं अपनी जियो की सिम से, तो वहां पर आपको काफी अच्छी स्पीड मिल रही है। लेकिन अपने घर पे या ऑफिस पे आप जब जियो की सिम से इंटरनेट चला रहे हैं तो वहां पर आपको काफी स्लो स्पीड मिल रही है। यानी कि जियो की इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपको जियो की सिम में इंटरनेट की स्पीड से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्पीड स्लो है, तो आप उसको किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को 2023 की लेटेस्ट एपीएन सेटिंग प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे कि आप अपने जियो के इंटरनेट की स्पीड को काफी हद तक बूस्ट कर पाएंगे। तो अगर आप भी इस एपीएन सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से अपने जियो के इंटरनेट की स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने मोबाइल में इस एपीएन सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद, अगर आप एमआई या रेडमी वगैरह का फोन यूज कर रहे हैं तो आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप किसी और ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क या नेटवर्क सेटिंग के नाम से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको ओपन करना है। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल नेटवर्क एंड सिम कार्ड से रिलेटेड सभी तरह की सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और सबसे टॉप पर आपको दोनों स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ से उस स्लॉट को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें कि आपकी जियो की सिम लगी हुई है। तो मैंने अपने फोन में जियो की सिम स्लॉट 2 में लगाई हुई है, तो मैं इसको ओपन कर लूंगा। जैसे आप जियो वाले स्लॉट को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे उसकी पूरी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा नीचे की साइड आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेस पॉइंट नेम, आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ऊपर की साइड आपको इंटरनेट के नाम से जो डिफॉल्ट हमारी एपीएन सेटिंग होती है जियो की, वो देखने को मिलेगी, और नीचे आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एपीएन सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, वो पहले से यूज कर रहा हूँ और उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक डिफॉल्ट वाली मिलेगी, और नीचे बॉटम पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक न्यू एपीएन सेटिंग का और एक रीसेट का। तो आपको सिंपली न्यू एपीएन सेटिंग पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको इस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा, तो इसी में हमें अपनी डिटेल फिल करनी है। अब डिटेल क्या फिल करनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं बैक ले लेता हूँ, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने इसी एपीएन को क्रिएट किया हुआ, तो इसी को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नेम वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है जियो 4G प्लगइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो का जे आपको कैपिटल रखना है और प्लगइन का पी आपको कैपिटल रखना है, जियो 4G स्पेस प्लगइन, और इसको आपको ओके कर देना है। अब इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर जो एपीएन का ऑप्शन मिलता है, आपको एपीएन पे जाना है, और एपीएन में आपको टाइप करना है 8006। ए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए मैंने कैपिटल लगाया हुआ है, और बाकी आपको यहाँ पे स्मॉल रखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जियो नेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8006 स्पेस जियो नेट, आपको एपीएन में देना है, और इसको भी आपको ओके कर देना है। अब इसके बाद प्रॉक्सी और पोर्ट में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको चले जाना है पे यूजर नेम पे, और यूजर नेम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है 8006, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको भी आपको ओके कर देना है। अब इसके बाद आपको पासवर्ड को ब्लैंक रहने देना है। इसके बाद आपको सीधे चले जाना है सर्वर में। अब सर्वर में आप देख सकते हैं क्या टाइप करना है, www.jio4gplugin.in, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, वरना आपका एपीएन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे www.jio4gplugin.in आपको टाइप करना और इसको भी ओके कर देना है। इसके बाद एमएमएस प्रॉक्सी, एमएमएस पोर्ट वगैरह, एमसीसी, एमएनसी, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में, और इसमें से आपको जो थर्ड वाला है पीएपी और सीएचएपी, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी चीज में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एपीएन प्रोटोकॉल वगैरह जो डिफॉल्ट है इसी को रहने देना है। आपको नीचे की साइड जाना सबसे लास्ट में बैरियर पे, और बैरियर को ओपन करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम इस पे आएंगे तो आपका ये सिलेक्ट होगा यहाँ पे अनस्पेसिफाइड पे, तो आपको सबसे पहले यहाँ से टिक मार्क हटा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एलटी से यहाँ पे टिक मार्क लगाना स्टार्ट करना, और नीचे जीपीआरएस तक लगा देना है। नीचे वैसे तो आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इनको आपको टिक मार्क नहीं लगाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे एलटीई से लेकर और जीपीआरएस तक आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई ऐसा ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं जिसमें इतने सारे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एलटीई को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको ओके कर देना है। बस दोस्तों, आपका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे आपको जो मोर का बटन मिलता है, आपको मोर के बटन पर जाना है, और यहाँ से एपीएन को आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है।
अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपका जब इसको सेट करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट वाला सेट होगा इस तरह से। तो आपको जो आपने क्रिएट किया इसको सिलेक्ट कर लेना इस तरह से और आपका आईपीएन यहाँ पे आपके फोन में अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों आप अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करके देख सकते हैं। पहले आपके जियो में आपको जो इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो मिल रही थी वो अब आपको काफी फास्ट स्पीड यहाँ पे मिलने लगेगी। और अगर आपके घर में इंटरनेट की स्पीड आपको स्लो मिल रही थी, मार्केट में फास्ट मिल रही थी, तो अब आपको आपके घर में भी इंटरनेट की स्पीड काफी फास्ट मिलेगी। अगर आपके फोन में ये जियो की आईपीएन सेटिंग वर्क करती है और आपकी इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।